हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे कि ट्रिपल सी का फॉर्म कैसे अप्लाई करें अपने मोबाइल या लैपटॉप से। तो चलिए हम लैपटॉप से बताते हैं, आप चाहे मोबाइल से या लैपटॉप से ऑनलाइन आसानी से कर सकते हैं। आपको यदि मोबाइल में कर रहे हो तो उसको डेस्कटॉप मोड पर कर लें। तो हम क्रोम ब्राउज़र को खोल चुके हैं, तो आप भी क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर सर्च बार में टाइप करिए ट्रिपल सी ऑनलाइन फॉर्म, उसके बाद क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ सबसे ऊपर ही हमारी वेबसाइट है, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन एनरोलमेंट नीलेट, देख लीजिए। हाँ दोस्तों, ये नीलेट की वेबसाइट है, इसी से ट्रिपल सी को ऑनलाइन होता है। इस पर ओपन करेंगे तो दोस्तों हमारा पॉपअप खुल चुका है। आप यहां देख सकते हैं नीलेट की वेबसाइट खुल चुकी है, तो इसको यहां से कैंसिल कर देंगे। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, उसके बाद यहां एक ऑप्शन है अप्लाई ऑनलाइन, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर देखिए कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट ट्रिपल सी, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद घोषणा, इसको आप पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इस पर क्लिक करके और आई एग्री क्लिक कर देंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देंगे। तो यहाँ पहले पूछ रहा है कि आपने कभी, इसमें जैसे पूछ रहा है इनरोलमेंट विद द नीलेट अप्रेंटिस यू हैव गॉट ऑनलाइन, अगर आप फॉर्म भरे होंगे तो उसमें पूछ रहा है कि आप इसके पहले फॉर्म भरे थे, यदि भरे तो हाँ, ना भरे हो तो नो कर दीजिए, तो हम नो रहेंगे। ये जैसे पूछ रहा है, देखिए क्या आप पहले से आवेदन किए हैं, यहाँ पर नो ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आएंगे आवेदक का पूरा नाम, तो यहाँ पर यदि श्री सुश्री या अन्य, तो आप जैसे बॉय का कर रहे हो तो श्री लगा दीजिए, गर्ल का कर रहे तो मिसेज लगा दीजिए। तो आप यहाँ पर उसके बाद उसका पूरा नाम लिख दीजिएगा, उसके बाद पिता का नाम लिख दीजिएगा, यदि पिता जिसके नहीं है तो यहाँ गार्जियन का लिख कर यहाँ पर गार्जियन का नाम लिख देंगे। उसके बाद मम्मी का नाम यहाँ पर फिल कर देना है यहाँ पर। उसके बाद जेंडर, मेल या फीमेल जो भी हो, उस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद इस कैलेंडर के माध्यम से आप डेट ऑफ बर्थ को आसानी से फिल कर देंगे। यहाँ से आपको जो भी डेट ऑफ बर्थ हो यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद वर्ग, आप एससी एसटी जनरल जो भी हों आप इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद व्यवसाय पूछ रहा है, तो आप यदि कर्मचारी हों या सरकारी कोई कर्मचारी हों, कुछ भी हों, तो यहाँ पर इसमें सेलेक्ट करेंगे। यदि कुछ नहीं है तो अन्य पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यदि आप दिव्यांग हों तो यस पर क्लिक कर दें, यस पर क्लिक करेंगे, यदि नहीं है तो नो पर क्लिक कर देना। तो जैसे हम दिव्यांग नहीं हैं तो दिव्यांग नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यदि आप आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, तो उससे संबंधित पूछेगा, तो आप यहाँ पर यस करके उसको फिल करेंगे, तो हम नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर मेल, आप ईमेल आईडी आराम से फिल कर देंगे आप अच्छी तरह से मिला के। उसके बाद यहाँ पर अपना पता आप फिल कर देंगे, जैसे विलेज, पोस्ट, थाना, तहसील, उसके बाद शहर का नाम आप यहां आसानी से फिल कर देंगे। उसके बाद आप शहर का नाम फिल कर देंगे। उसके बाद स्टेट पूछ रहा है, तो आप इसमें स्टेट आराम से फिल कर देंगे। उसके बाद ज़िले का नाम पूछ रहा है, तो यहां पर आप ज़िला अपने हिसाब से अपना ज़िला यहां से खोज कर भर देंगे। उसके बाद यहां पर अपना पिन कोड भर देंगे, 5 अंकों का जो होता है। उसके बाद आधार से देखकर, उसके बाद यहाँ से आप शैक्षणिक योग्यता,
इसमें से आप चाहे जो फिल कर सकते हैं। आप हाई स्कूल की हैं तो हाई स्कूल को फिल कर दीजिए, इंटर की कर ली हो तो इंटर को फिल कर दीजिए, जो भी आपको इच्छा हो वो फिल कर दीजिए। जो फिल करेंगे उसका वर्ष बताना होगा कि आप किस साल में उसको पास किए हैं। उसके बाद ये पूछ रहा है कि किसके रूप में आवेदन किया गया। यदि आप किसी संस्था के द्वारा होते हैं तो संस्था पर क्लिक करेंगे, तो आप सीधे अप्लाई कर रहे हैं तो आप सीधे पर क्लिक करिए। उसके बाद परीक्षा के लिए आवेदन पूछ रहा है कि तो ये हर महीने होता है, साइक्लिक बोल रहा है ना, एवरी मंथ साइक्लिक एग्जाम होता है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस समय 24 के लिए हो रहा है, आप जिस महीने में करेंगे उसके एक महीने छोड़कर अगले महीने को दिखाएगा। तो जैसे 24 को हो रहा है तो यहाँ पर 24 हम क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर रेट दे रहा है कि यह कितना पैसा कटेगा, इसका फार्म का चार्ज है। उसके बाद यहाँ परीक्षा केंद्र हैं, दो परीक्षा केंद्र हैं, आप यहाँ से अपने हिसाब से जिस स्टेट में परीक्षा देना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे और किस जगह देना चाहते हैं इसको आराम से आप इससे भर सकते हैं। आपकी इच्छा चाहे जहाँ देना चाहते हो वहाँ दे रहे हैं, आप इसमें से आसानी से फिल करके देख सकते हैं आप कौन सा करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना आधार नंबर टाइप कर देंगे। उसके बाद फ़ोटो, जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा दिक्कत आदमी को फ़ोटो और सिग्नेचर, फ़ोटो और सिग्नेचर में दिक्कत कर। और यहाँ पर लेफ्ट थंब का बाएं हाथ के अंगूठे का निशान है, ये तीनों अपलोड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ बता दे रहे हैं कि आप पहले फ़ोटो को 5 से 50 KB के अंदर इसको KB बनाएंगे। उसके बाद उसकी पिक्सल, इसमें पिक्सल दिया है, इसमें पिक्सल दिया है, देखिए 132x170 पिक्सल का, 132 चौड़ाई है, 170 हाइट है। पिक्सल में इसकी फ़ोटो को साइज बना लेना। उसके बाद DPI यहाँ दिया है कि इसके अंडर होना चाहिए 96 से लेकर 300 के बीच DPI, इसको बनाकर तब यहाँ पर अपलोड करेंगे तो आसानी से अपलोड हो जाएगा। उसके बाद हस्ताक्षर के लिए भी वही है, 5 से 20 KB के लिए मांगा है तो 520 KB का पहले हस्ताक्षर KB में बदल देंगे। उसके बाद उसको 170 से 132 पिक्सल का मांगा है। उसके बाद यहाँ DPI वही रहेगा, 96 से 200 के अंदर रहेगा, बीच में रहेगा, इसी में चाहे जो जैसे इससे कम नहीं होना चाहिए ना इससे ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद अंगूठे के निशान का भी वही हाल है, वैसे बना देना है और यहाँ से अपलोड कर देंगे तो यहाँ आपकी फ़ोटो सिग्नेचर दिखने लगेगा। उसके बाद इस कैप्चर को फिल कर देंगे आप, उसके बाद घोषणा पे क्लिक कर देंगे, टर्म कंडीशन, उसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही आपको एक प्रीव्यू मिल जाएगा, आप प्रीव्यू को अच्छी तरह से देख लेंगे, प्रीव्यू को अच्छी तरह से मिला लेंगे, यदि कोई गलती हो तो वहाँ पर एडिट कर देना, नहीं तो सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद पेमेंट कर देना 590 रुपये, उसके बाद आपका आवेदन सफलतापूर्वक हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा आपको, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। धन्यवाद।